सो हेलो व्हाट इज अप गाइस, कैसे हो आप लोग। तो गाइस आज की वीडियो कौन सी टॉपिक में होने वाला है ये तो आप लोगों को थंबनेल से पता चल गया ही होगा। तो गाइस आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ बारमूडा मैप के ऐसा टॉप 5 न्यू हाइडिंग प्लेस जिसकी मदद से आप अपना रैंक पुश कर सकते हो। तो गाइस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा लास्ट तक देखना, एंड अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई प्लीज सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर देना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। तो गाइस हमारा जो सबसे पहला हाइडिंग प्लेस है वो है प्लांटेशन में। इसके लिए सबसे पहले आपको एक कार ढूंढना होगा, एंड कार को डाइव करके आपको इस फेंस के साइड में आके यहाँ से इस कार को ऐसे रख देना है। एंड गाइस इसके बाद आप लोग कार से उतर जाना, उतर के ही नीचे आके यहाँ पे ऐसे दो ग्लू लगा देना। बहुत ध्यान से देखना, जैसे मैं लगा रहा हूँ बिल्कुल ऐसे लगाना। इसके बाद आप लोग कार की मदद से इसके ऊपर चढ़ जाना, एंड वहाँ से स्कोप ओपन करके इस दोनों ग्लू के ऊपर ऐसे बहुत ध्यान से चढ़ जाना। यहाँ से गाइस आप लोग जंप करके इस घर के ऊपर चढ़ सकते हो। ऊपर आने के बाद आप लोगों को सिंपली इस दोनों ग्लू को ऐसे फोड़ देना है। अब गाइस आप ऊपर यहाँ से ऐसे लेट के कैंप कर सकते हो। तो गाइस ये एक बहुत अच्छा हाइडिंग प्लेस है, एंड बहुत टाइम मैं भी इसको यूज करता हूँ। तो यहाँ से अगर आप लेट के कैंप करोगे तो आपको कोई नहीं मार पाएगा, क्योंकि देखो सामने तो पूरा कवर है, एंड पीछे की साइड में से कोई आपको नहीं दिख पाएगा। तो अगर आपको कभी एनिमी दिखा तो आप भी ऊपर से उन लोगों को इजीली मार सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारा सेकंड हाइडिंग प्लेस की तरफ। तो गाइस हमारा जो सेकंड हाइडिंग प्लेस है वो है क्लॉक टावर में, एंड क्लॉक टावर के मिडिल में जो एक ब्लैक टाइप का बड़ा घर रहता है इसके ऊपर यो हाइडिंग प्लेस। तो इसके लिए सबसे पहले आपको इस घर के ऊपर चढ़ जाना है एकदम ऊपर फ्लोर में, एंड आपको टीममेट को भी आपके साथ आने के लिए बोलना है। तो गाइस आपको टीममेट को ऐसे ऊपर इस काट के बक्स के ऊपर ऐसे आके बैठ जाना है। तो आपको टीममेट को बोलना है ऐसे ऊपर बैठने के लिए, एंड आप ऐसे जंप करके अपना टीममेट के ऊपर चढ़ जाना। टीममेट के ऊपर चढ़ने के बाद आप फिर से जंप करके इस घर की वॉल पे ऐसे चढ़ सकते हो। तो यहाँ से देखो गाइस मेरा टीममेट नीचे नहीं है, एंड मैं ऊपर फिर भी बैठा हूँ। तो यहाँ पे आप लोग इजीली कैंपिंग करके अपना रैंक पुश कर सकते हो, एंड अगर कभी इस घर के अंदर एनिमी आता है तो आप ऊपर से ऐसे स्प्रे करके उसके ऊपर उसको मार सकते हो। तो ये एक बहुत अच्छा हाइडिंग प्लेस है, एंड अगर आप यहाँ से एनिमी को मारोगे तो वो पूरा शॉक हो जाएगा। तो ये प्लेस आपको कैसा लगा आप कॉमेंट में बताना। तो चलिए देख लेते हैं हमारा थर्ड हाइडिंग प्लेस क्या है। तो गाइस हमारा जो थर्ड हाइडिंग प्लेस है वो फैक्ट्री में, एंड फैक्ट्री में साइड में जो एक येलो टाइप का टावर रहता है सबसे पहले आपको इसके ऊपर चढ़ जाना है। तो गाइस हो सकता है कि बहुत लोगों को ये ट्रिक पता है, लेकिन जो लोग नया है गेम में मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ। तो आपको ऐसे दो ग्लू लगा देनी है, जैसे लगा बहुत ध्यान से देखना, एंड फिर उसके बाद आपको ऐसे जंप करके इस ग्लू के ऊपर चढ़ के यहाँ पे ऊपर चढ़ जाना है। एंड गाइस यहाँ से आप लोग ऐसे जंप करके इस टावर के ऊपर ऐसे चढ़ जाना। अब गाइस आप यहाँ से ऐसे कैंप कर सकते हो। तो गाइस आपको यहाँ पे कैंपिंग नहीं करना है, आप थोड़ा साइड में आ जाना, एंड यहाँ पे आके ऐसे लेट जाना। तो गाइस यहाँ से अगर आप लेट के कैंप करोगे तो आपको कोई नहीं दिख पाएगा, तो वहाँ पे किसी को पता नहीं चलेगा कि ऊपर कोई बंदा है, एंड अगर आप उनको ऊपर से मारना चाहते हो तो इजीली ऐसे ऊपर से मार सकते हो। तो गाइस ये भी एक बहुत अच्छा ट्रिक है, एंड अगर आप चाहो तो इस कोने में आके यहाँ पे भी ऐसे इस कोना में बैठ जाना। गाइस ये भी एक बहुत सेफ हाइडिंग प्लेस है, यहाँ पे अगर आप कैंपिंग करोगे तो भी आपको एनिमी नहीं दिख पाएगा, एंड अगर आप चाहते हो इस कोने में कैंपिंग करोगे तो आप सीधा इस कोने में चले आना, यहाँ पे आके भी आप कैंप कर सकते हो, एंड नीचे वाले एनिमी को इजीली भी फायर करके मार सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारा फोर्थ हाइडिंग प्लेस की तरफ। तो गाइस हमारा जो फोर्थ हाइडिंग प्लेस है वो पिक में, एंड पिक की पीछे की साइड में यहाँ पे जो ऐसे दो तीन वुडन रहते हैं, आपको सबसे पहले इसके साइड में चले आना है, एंड यहाँ पे आने के बाद इस पत्थर के पास आपको यहाँ पे ऐसे ग्लू लगा देना है, एंड उसके बाद उसके साइड में ऐसे और एक ग्लू लगा देना है। तो ऐसे दो ग्लू लगाने के बाद आपको दौड़ के इस पत्थर के ऊपर चढ़ जाना है, एंड वहां से ऐसे दौड़ के एक ग्लू के ऊपर, एंड वहां से और एक ग्लू के ऊपर, एंड उसके बाद इस वुडन के ऊपर चढ़ जाना है। अब गाइस आप सिंपली इस दोनों ग्लू को फोड़ दो, एंड इसके बाद आप इस ऊपर में ऐसे यहाँ से कैंपिंग कर सकते। तो गाइस यहाँ पे देखो सामने से पूरा कवर है, तो कोई आपको नहीं मार पाएगा, ये मेरा गारंटी है, एंड पीछे से भी आपको कोई नहीं मार पाएगा। तो आप यहाँ से इजीली बैठ के अपना रैंक पुश कर सकते हो, एंड अगर आपको सामने एनिमी दिखा तो आप उन लोगों को ऐसे फायर करके इजीली मतलब मार सकते हो, लेकिन अगर मर गया तो कोई बात नहीं, फिर से ऐसे एनिमी को लाइक देके बैक कर देना। यही नहीं अभी और सुनिए। तो गाइस हमारा जो लास्ट एंड फिफ्थ हाइडिंग प्लेस है वो है मार्स इलेक्ट्रिक में, एंड मार्स इलेक्ट्रिक में जो ये येलो टाइप का टावर रहता है इसके ऊपर आपको चढ़ जाना है, एंड ऊपर आने के बाद आपको यहाँ पे ऐसे दो ग्लू लगा देना है, जैसे मैं लगा रहा हूँ बहुत ध्यान से देखना। उसके बाद आपको ऐसे जंप करके इस ग्लू के ऊपर चढ़ना है, एंड वहाँ से इस टावर के ऊपर चढ़ जाना है।
यहाँ से गाइस आप लोग और ऊपर चले आना, यहाँ से जंप करके इसके ऊपर चढ़ सकते हो। अब गाइस आप यहाँ पे इजीली ऐसे बैठ के और लेट के कैंप कर सकते हो। तो आप लोग इस ग्लू को फोड़ देना, नहीं तो अगर किसी ने देख लिया तो आप लोगों को दिक्कत हो सकता है। तो गाइस इसके बाद आप लोग दौड़ के इस तरह और कोने में चले जाना एंड यहाँ पे भी आप लोग बैठ के और लेट के कैंप कर सकते हो। तो गाइस यहाँ पे आपको थोड़ा पहाड़ के साइड में ध्यान रखना होगा, अगर वहाँ पे कहीं से एनिमी दिखा आप लोगों को तो आप उनको इजीली मार सकते हो। तो गाइस अगर आप लोग और भी सेफ कैंपिंग करना चाहते हो तो आप इस कोने में आके भी यहाँ पे बैठ सकते हो, क्योंकि देखो यहाँ पे पहाड़ की साइड में भी कवर है एंड पीछे से भी आपको कोई नहीं मार पाएगा। एंड अगर आपको एनिमी दिखा तो आप ऊपर से भी उन लोगों को इजीली ऐसे मार सकते हो। तो गाइस अगर आप लोग और भी सेफ कैंपिंग करना चाहते हो तो आप लोग थोड़ा साइड में चले आना एंड यहाँ पे ऐसे स्कोप ओपन करके बहुत ध्यान से ऊपर से ऐसे कूद जाना। तो गाइस आप लोग ध्यान से कूदना, नहीं तो अगर आप लोग नीचे गिर जाओगे तो आपका बहुत हेल्थ डैमेज हो जाएगा। तो गाइस आप लोग यहाँ पे भी आके ऐसे यहाँ पे सेफली कैंपिंग कर सकते हो। तो गाइस यहाँ पे आप लोग इजीली अपना रैंक पुश कर सकते हो एंड अगर आपको आसपास एनिमी दिखा तो आप उन लोगों को मार के अपना किल भी उठा सकते हो। तो गाइस आज की वीडियो यहीं तक, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते किसी नई वीडियो में।